सो फ्रेंड्स, अपनी YouTube वीडियो में चैप्टर को किस तरह से ऐड करते हैं, क्योंकि YouTube का चैप्टर से रिलेटेड एक फीचर आ चुका है, तो आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह के चैप्टर आपको YouTube वीडियो में देखने को मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, आपने अपनी एक वीडियो क्रिएट की और उस वीडियो के चैप्टर अगर आप अपने वीडियो में ऐड कर देते हैं, तो आपने किस टाइम पर अपनी वीडियो में क्या बताया है और कितने टाइम बाद फिर किसी दूसरी बात के बारे में बात की है, तो वो आप अगर चैप्टर बनाकर अपनी वीडियो में ऐड कर देते हैं, तो कोई भी आपकी चैप्टर पर अगर जाता है, तो वहाँ से जो आपने चैप्टर लगाए हैं और उससे रिलेटेड उसे किसी चीज़ को देखना है, तो वो वहाँ से जाकर देख लेता है। तो ये चैप्टर किस तरह से ऐड किए जाते हैं अपनी YouTube वीडियो में, तो ये सारा प्रोसेस समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। सो फ्रेंड, उसके लिए हमें सबसे पहले अपना YT स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन करना है और यहाँ आपको अपने वीडियो शो होते हैं YT स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर, तो आपको यहाँ से आप अपनी कोई भी लेटेस्ट वीडियो या ओल्ड वीडियो, जिस पर भी आप चैप्टर को ऐड करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक करना है और अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाना है। और यहाँ से मैं अब आपको शुरू से लगाकर समझाता हूँ कि किस तरह से आप अपने वीडियो के अंदर चैप्टर को ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ कि किस तरह से हम अपने चैप्टर को ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स, हमें नीचे आना है और यहाँ पर आपको अपने सबसे पहले 0 0 और ये दो बिंदी वाला जो डॉट होता है, आपको इसे यहाँ पर ऐड करना है और यहाँ से आपको जितने सेकंड तक आपका इंट्रो है वो टाइमिंग यहाँ डाल देनी है और उसके बाद ये एक निशान लगाने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है इंट्रो। यहाँ तक आपने अपनी वीडियो का इंट्रो डाला है। इंट्रो के बाद आप दिखाना चाहते हैं अपनी वीडियो में उससे आगे आपने क्या बताया है, तो यहाँ से आपको डालना है जैसे यहाँ आपने डाला है, तो अब यहाँ पर आपको डालना है जीरो जीरो पाँच से, 0 5 से आपको अब यहाँ जाना है 0 6 मिनट तक। आपने अपनी वीडियो में जो बाकी आपने टाइमिंग के हिसाब से जो भी बताया है वो आपको यहाँ पर लिखना है कि हम उसी हिसाब से टाइमिंग आपको यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद आपने यहाँ से आगे जो भी बताया है उसको आप एक टाइटल की तरह लिख सकते हैं, जैसे यहाँ से मैं लिखता हूँ रैंकिंग बाय व्यू। तो यहाँ से मैंने अपने इंट्रो के बाद जो भी बताया है वो यहाँ से मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको इसे यहाँ से सेव कर देना है। उसके बाद हमें जाना है अपने YouTube पर और देखना है कि हमारे चैप्टर ऐड हो चुके हैं या नहीं। तो यहाँ से मैं आ गया हूँ अपने YouTube में और यहाँ से मैं देखता हूँ अपनी वीडियो को जिसमें मैंने चैप्टर को ऐड किया है कि हमारे ये चैप्टर ऐड हो चुके हैं या नहीं। तो यहाँ से मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो चैप्टर है वो ऐड हो चुके हैं। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो मेरी जो वीडियो है
तो इसमें जो मैंने डिटेल बताया है तो ये वहीं तक जाकर आपका शुरू होती है जहां से भी आप इसे रखना चाहते हैं। आप जो भी मिनट डालने हैं उससे पहले आपको ज़ीरो लगाना है, जो भी आप सेकंड डालना चाहते हैं उससे पहले आपको ज़ीरो ज़रूर लगाना है, तभी आपके चैप्टर ऐड होंगे। अब यहाँ दोस्तों एक बात और है कि जब आपके चैप्टर आप यहाँ ऐड कर देते हैं तो इन पर ऑटोमेटिक थंबनेल लगते हैं जो कि लगभग 2 घंटे बाद ऑटो जनरेट होते हैं। वो थंबनेल उनकी टाइमिंग के हिसाब से ऑटोमेटिक यूट्यूब लगा देता है। तो यहाँ ये ना सोचें कि हमारे जो हमने चैप्टर ऐड किए हैं उन पर जो थंबनेल हैं वो नहीं शो हो रहे हैं, तो इसे थोड़ा टाइम लगता है बट ये हो जाते हैं। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि हम अपनी YouTube वीडियो में किस तरह से चैप्टर को ऐड कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।